रशिया जो कि पूरी दुनिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और ये इतनी ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है जिसमें आसानी से 20 से 25 देश समा सकते हैं। दोस्तों रशिया की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है मॉस्को और अगर हम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन। दुनिया का ये सबसे बड़ा देश कुल मिलाकर 1,70,98,246 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े देश में पॉपुलेशन रहती है सिर्फ 14,70,00,000। दोस्तों रशिया में चलने वाली करेंसी रशियन रूबल है और आज के दिन एक रशियन रूबल हमारे इंडिया के 1 रुपए और 10 पैसे के इक्वल है, यानी थोड़ी सी हाई है रशिया की रूबल करेंसी हमारे इंडिया के रुपए से। तो चलिए दोस्तों पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो और वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी को रशिया की कुछ बहुत ही कमाल और रोचक बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों रशिया का ऑफिशियल नाम है रशियन फेडरेशन। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि रशिया देश का एरिया इतना ज्यादा है कि ये प्लूटो ग्रह से, सही सुना, प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा बड़ा देश होने के चलते ही ये देश एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में बसा हुआ है। हालांकि यहाँ की ज्यादातर आबादी इसके यूरोप वाले हिस्से में रहती है और आज के दिन यहाँ के 79% लोग इसके यूरोप वाली साइड में रहते हैं तो वहीं एशिया वाले हिस्से में सिर्फ 21% लोग रहते हैं। रशिया का एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग और दोस्तों इस शहर को ना वेनिस के नाम से पहचाना जाता है और पूरी दुनिया इसे वेनिस ऑफ रशिया कहती है। दोस्तों जहां इटली के वेनिस शहर में 440 से भी ज्यादा ब्रिजेस मौजूद हैं तो वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में 1000 से भी ज्यादा ब्रिजेस मौजूद हैं जिसके चलते पूरी दुनिया इसे वेनिस के नाम से जानती है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन भी रशिया देश में मौजूद है और दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि ये देश है ही इतना बड़ा। दोस्तों इस रेलवे को ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। ये रेलवे लाइन कुल मिलाकर 9,299 किलोमीटर में फैली हुई है। ये कमाल की रेलवे लाइन यूरोप के शहर मॉस्को से चलते हुए एशिया तक आती है। दोस्तों रशिया पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर लड़कियों की गिनती लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहां की लड़कियों को ना पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत माना जाता है और एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में रशिया की लड़कियों की ब्यूटी 6वें नंबर पर आती है और यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा कमाल और अट्रैक्टिव है। आज के दिन इस देश में लड़कों के मुकाबले 1,15,00,000 लड़कियां ज्यादा हैं, यानी यहाँ की 1,15,00,000 लड़कियों को शादी किसी दूसरे देश के लड़के से करनी पड़ेगी और इसमें भी एक कमाल की बात तो ये है कि रशियन लड़कियों को इंडियन लड़के काफी ज्यादा पसंद है और बहुत सारी रशियन लड़कियों ने अभी तक इंडियन लड़कों से भी शादी की है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि रशियन लड़कियों को इंडियन कल्चर काफी ज्यादा पसंद आता है और साथ ही इंडिया और रशिया बहुत ही ज्यादा पक्के मित्र हैं। शायद आपको ये बात काफी ज्यादा अजीब लगे कि रशिया के लोग भी ना काफी ज्यादा अंधविश्वासी माने जाते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर वो डॉग यानी कुत्ते के पंजे को सहलाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी अमीर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ का एक बहुत ही अजीब अंधविश्वास जो आज नहीं बल्कि आज से कई साल पहले हुआ करता था। आज से कई साल पहले जब भी रशिया के लोग अपना नया घर बनाते थे तो वो उसमें सबसे पहले कैट को बेचते थे क्योंकि वो लोग सोचते थे कि नए घर में जो भी सबसे पहले जाएगा ना उसकी अगले 7 दिनों में ही मौत होगी और अगर दोस्तों कहीं बिल्ली यानी कैट घर में ना आ जाती तो वो लोग घर में जाना ही कैंसिल कर देते और अपने लिए एक नया घर बनवाते। रशिया का एक म्यूजियम जिसका नाम हर्मिट टैग है इसे पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक के साथ साथ सबसे पुराने म्यूजियम्स में से एक माना जाता है। इसे 1764 के साल में कैथरीन द ग्रेट के द्वारा बनवाया गया था और आज के दिन इस म्यूजियम में 33,00,000 से भी ज्यादा कमाल की चीजें मौजूद हैं जिनको देखने के लिए हर साल यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया का 20% साफ पानी सिर्फ रशिया की एक झील में ही मौजूद है और दोस्तों ये झील है लेक बाइकल।
अगर आप कभी रशिया को विजिट करें तो यार इस झील को ना जरूर देख कर आना। दोस्तों मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, रशिया में बालुओं को जेट फ्यूल का नशा होता है और कई बार वहाँ पर बालू जेट फ्यूल का नशा करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि वहाँ पर बालू एयरपोर्ट पर जाकर जेट फ्यूल को सूंघते हैं और उनका नशा करते हैं। आज के दिन इस देश के पास 8500 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और इनके चलते ही ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति वाला देश है। दोस्तों अगर रशिया चाहे तो वो पूरी दुनिया को 12,000 से भी ज्यादा बार खत्म कर सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आज के दिन रशिया की सेना को तीसरी सबसे पावरफुल सेना माना जाता है। यहाँ पर मौजूद कराची लेक को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इसमें बहुत ही ज्यादा डेंजरस रेडिएशंस फैली हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वहाँ 15 मिनट रुकोगे तो आपकी मौत हो सकती है। हर देश के ट्रैफिक को लेकर काफी ज्यादा अलग लेवल के मजेदार रूल्स होते हैं, लेकिन रशिया का एक बेहद ही खास कानून ये है कि वहाँ पर कोई भी इंसान गंदी गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकता। रशिया यार कितना ज्यादा ठंडा देश है ये तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ का एक ऐसा शहर है जहाँ पर टेम्परेचर हर समय -50 डिग्री से भी नीचे रहता है और यहाँ पर दोपहर को 2 बजे सूरज निकलता है और 3:30 बजे सूरज छिप भी जाता है और यहाँ पर हर समय जमा देने वाली ठंड होती है और चारों तरफ आपको बर्फ ही नजर आएगी। हालांकि दोस्तों रशिया की ये काफी खास टाइप की जगह टूरिस्टों को अपनी ओर काफी अट्रैक्ट करती है और देखा गया है कि टूरिस्ट इस जगह पर जाना काफी पसंद करते हैं। दोस्तों 2015 में एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि रशिया में आज के दिन 40 ऐसे गुप्त शहर हैं जहां पर किसी का भी जाना पूरी तरह से इलीगल है और अगर कोई टूरिस्ट इन जगहों पर जाना चाहता है तो उसे सरकार से एक खास टाइप का परमिट लेना होता है। 2014 की रिपोर्ट के अनुसार तो ये बात भी सामने आई थी कि रशिया में 15 ऐसे गुप्त शहर हैं जिनके बारे में सरकार किसी को नहीं बताती और वहाँ के नॉर्मल लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ऐसे शहर यहाँ पर मौजूद भी हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली तो ये बात है कि दोस्तों ये 15 शहर आपको गूगल मैप्स पर भी नहीं मिलेंगे। इन शहरों में किसी का भी आना जाना पूरी तरह से बैन है और यहाँ पर कभी भी कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। इन शहरों के बारे में रशिया के रहने वाले लोग भी बहुत ही कम जानते हैं। दोस्तों रशिया में हर साल 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग ज्यादा शराब पीने के चलते ही मारे जाते हैं और इनमें से 92% पुरुष हैं। और ये भी एक मेन वजह है जिसके चलते लड़कियों की गिनती लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा है और इन वजहों के चलते ही रशिया की लड़कियां इंडियन लड़कों के साथ शादी करना पसंद करती हैं। आज से कई साल पहले एक ऐसा भी समय था जब रशिया में टीचर्स को वोट की जगह वोट का दिया जाता था। अलास्का के बारे में तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो आज के दिन अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन एक समय पर अलास्का रशिया का हिस्सा रह चुका है। लेकिन 1867 के साल में रशिया ने अमेरिका को अलास्का बेच दिया, जिसके लिए अमेरिका ने रशिया को इंडियन करेंसी के हिसाब से 51 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों रशिया इतना ज्यादा बड़ा देश है कि यहाँ पर एक टाइम जोन से बिल्कुल भी बात नहीं बनती और आज के दिन पूरे देश में कुल मिलाकर 11 टाइम जोन्स हैं, जिसके चलते अगर रशिया के एक हिस्से में सुबह होती है तो वहीं रशिया के किसी दूसरे हिस्से में शाम हो रही होती है। रशिया पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है। शायद आपको दोस्तों विश्वास ना हो, लेकिन रशिया में एक ऐसा भी समय था जब लोगों को अपनी बियर्ड यानी दाढ़ी रखने के लिए भी सरकार को अलग से टैक्स देना पड़ता था। ये वाला फैक्ट ना यार आपको काफी ज्यादा अलग लेवल का और काफी ज्यादा यूनिक सा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल 12 सितंबर को कपल्स के लिए खास टाइप की हॉलीडे रखी जाती है और अगर हॉलीडे के 9 मंथ के बाद किसी कपल्स को बेबी होता है तो उन्हें सरकार की तरफ से काफी अच्छे खासे तोहफे दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रशियन सरकार चाहती है कि उनके देश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि रशिया इतना बड़ा देश है लेकिन पॉपुलेशन इसकी काफी कम है, जिसके चलते सरकार ये चाहती है कि यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़े, जिसके बाद ये देश और भी ज्यादा तेजी से डेवलप हो। रशिया में पूरी दुनिया से एक बेहद ही ज्यादा अलग कॉफी हाउस मौजूद है जहाँ पर खाना पीना पूरी तरह से फ्री है, लेकिन हाँ वहाँ पर फीस सिर्फ इस बात की लगती है कि आप वहाँ
कितना समय बिताते हो। और यहाँ पर सिर्फ एक मिनट बिताने के लिए ही 3 रशियन रूबल देने होते हैं। तो दोस्तों, आपको रशिया के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग और कमाल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।